रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। बूढ़ी पक्षी की आवाज सुनकर चिड़िया और गोरी कौवी उसके पास आ जाती हैं। बताइए माँ जी, क्या बात है? थोड़ी जल्दी बोले, अभी हमें भोजन लेने जाना है। बच्चों, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता और इस वजह से मेरे बगीचे के सब पौधे सूख गए हैं। क्या आप मुझे नदी से इतो मटके पानी की भरकर ला दोगे? जी माँ जी, क्या आप अपने पौधों को पानी देना चाहती हो? हाँ बेटी, मैंने बहुत शौक से ये बगीचा लगाया है। अगर आज पौधों को पानी ना मिला तो मेरा सारा बगीचा सूख जाएगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, अब क्या करें? गोरी, पास में ही नदी है, पहले मम्मा जी को पानी ला देती है। फिर चिड़िया और गोरी कवि बूढ़ी माँ जी से मटके लेकर उनके लिए पानी लेने चली जाती है। नदी भी पास ही थी, इसलिए वह कुछ ही देर में वहाँ पानी लेकर आ जाती है। आप बहुत अच्छे हो, मैं आप दोनों को ये दो पौधे देती हूँ। ये अनार के पौधे हैं, मीठे मीठे अनार लगेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, हम इन्हें अपने घर के पास ही लगा लेंगे। चिड़िया और कौवी दोनों एक एक पौधा अनार का लेकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया घर जाकर अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है और गौरी कौवी भी, जो चिड़िया की पड़ोसी थी, वह अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है। पौधा तो अच्छे से लग गया, अब मैं इसकी सेवा करूंगी और फिर ये पौधा बड़ा होकर मुझे मीठे मीठे अनार देगा। मम्मा मम्मा, जो पौधा आपने आंगन में लगाया है वो किस चीज का है? कुकू बेटा, वो अनार का पौधा है। अब आप हर रोज उसे पानी दिया करना और फिर देखना उस पौधे पर कितने बड़े बड़े अनार लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर रोज अपने पौधे को पानी देती, उसकी सेवा करती, जबकि उसकी पड़ोसन गोरे कवि का पौधा तो अभी तक बड़ा ही ना था, वह तो पहले से भी छोटा हो गया था। चिड़िया का अनार का पौधा हमारे वाले पौधों से दोगुना हो गया है और हमारा पौधा ऊपर जाने की बजाय नीचे को जा रहा है, तो उसमें क्या बड़ी बात है? चिड़िया को साथ लेकर नदी पर चली जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का पौधा अपने वाले पौधे से बदल लूंगा। वाह कालू जी, क्या दिमाग लगाया है, दोनों अनार के पौधे ही तो हैं। चिड़िया को कौन सा पता चलेगा कि दोनों में से उसका पौधा कौन सा है? मैं अभी चिड़िया को नदी पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन चलो। कहाँ गोरी? नदी पर, मुझे बहुत प्यास लगी है, सोचा जाती जाती तुम्हें भी साथ ले जाऊं, मगर मैं तो अभी अभी नदी से पानी पीकर आई हूं। गोरी बहन बातें करते करते जाएंगे और कल से कबूतर को बुखार भी है, वापस आते हुए कबूतर की भी खबर लेते आएंगी। हाँ ये तो है, मैं भी कबूतर की तरफ जाना चाहती थी, मगर मम्मा मैं अपने अनार के पौधे के पास ही बैठता हूँ। अब ये कमबख्त छोटा बच्चा कहाँ से आ गया, इसे भी साथ ही लेकर जाना होगा, वरना कालू चिड़िया का पौधा अपने पौधे से कैसे बदलेगा। कुकू ये लो 5 रुपए और तोते चाचा से कैंडी ले आओ। कुकू गोरी से पैसे लेकर दुकान पर चला जाता है। गोरी और चिड़िया भी नदी पर चली जाती हैं। उनके जाते ही कालू अपना पौधा उखाड़ता है और उसे लेकर जल्दी से चिड़िया के घर आ जाता है। वह चिड़िया के पौधे की जगह अपना अनार का पौधा लगा देता है और चिड़िया का अनार का पौधा उखाड़ कर अपने साथ ले जाता है। कालू चिड़िया का बड़ा अनार का पौधा अपने आंगन में लगाकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी देखकर खुश हो जाएगी। गोरी और चिड़िया भी नदी से पानी पी लेती हैं। चिड़िया चलो अब चलें। चलो अब कबूतर के घर जाते हैं। फिर वे दोनों कबूतर के घर चली जाती हैं। कालू कौवी ने पीछे से मिट्टी के सारे निशान खत्म कर दिए थे। अपनी मम्मा से पहले कुकू घर आता है और वो जब अपने अनार के पौधे को देखता है तो उसे अपना पौधा छोटा छोटा महसूस होता है। फिर उसकी मम्मा भी आ जाती है। मम्मा, हमारा अनार का पौधा मुझे पहले से छोटा लग रहा है। नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, आप नदी से पानी लाकर डालो, फिर देखना हमारे पौधे के पत्ते ठीक हो जाएंगे। मैं अभी पानी डालता हूँ। ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चला कि उसका अनार का पौधा तो कालू कौवे ने अपने पौधे से बदल लिया है। वाह कालू, शाबाश, बहुत ही अच्छा। कालू, चिड़िया को पता तो नहीं चलेगा? पता कैसे चलेगा, मैंने कोई भी निशान छोड़े ही नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पौधा बदला है। ऐसे ही दिनों रात गुजरते गए और दोनों पौधे बढ़ते गए, मगर चिड़िया का पौधा छोटा रह जाता है और गोरी कौवी ने जो चिड़िया का पौधा चुराया था वह बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। चिड़िया, तुम्हारा पौधा तो बहुत छोटा है, चलो हमारे घर आकर देखो,
हमारे अनार का पौधा कितना बड़ा हो गया है। गौरी, मैं भी बहुत हैरान हूँ। मैंने दिन रात इस अनार के पौधे की सेवा करी, मगर ये आपके पौधे की तरह नहीं बढ़ रहा। और फिर एक दिन उन दोनों पौधे पर फल लगते हैं। दोनों पौधे पर लाल लाल रंग के अनार लगे थे। गौरी के पौधे पर बहुत ज्यादा अनार लगे हुए थे, जिन्हें देखकर गौरी को भी बहुत खुश हो रही थी। कालू, चिड़िया के पौधे पर बहुत थोड़े अनार हैं, और हमारे पौधे पर देखो कितने ज्यादा अनार हैं। अगर मैं चिड़िया से पौधा नहीं बदलता तो वह थोड़े अनार वाला पौधा हमारे पास होता। ऐसे कहते हुए कालू अपने पौधे से एक अनार तोड़कर गौरी को देता है। लो, पहले तुम फल खाकर देखो और बताओ कि कैसा है। गौरी वो अनार खाने लगती है। छीची छीची कालू, अनार तो बहुत खट्टा है, मेरी सारी चोंच खट्टी हो गई। उस बुढ़िया ने तो कहा था कि इन पौधे पर बहुत मीठे मीठे अनार लगेंगे। फिर वे दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी अपने पौधे से अनार तोड़कर खा रहे थे। गौरी बहन, मेरे पौधे के अनार बहुत मीठे हैं, लो खाकर देखो। गौरी चिड़िया से अनार लेकर खाती है। कालू, ये तो बहुत मीठा है। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि मैं चिड़िया के पौधे से अपने पौधे को बदल दूं। अब हम तो खट्टे अनार खाएंगे और ये चिड़िया मीठे मीठे अनार खाएगी। तो अब पता चला मुझे मेरा पौधा छोटा क्यों हो गया था। मम्मा, अच्छा है किया कालू अंकल ने, वरना मैं खट्टा पौधा आज हमारे घर में होता। फिर गौरी और कालू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के साथ धोखा करता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वो छोटी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसे खेती करना बहुत पसंद था। वे बदलती मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती थी। अरे कबूतर भैया, मैंने सुना है आप बाजार जाने वाले हो। हाँ, मैं 8 बजे जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है, वो कई दिनों से जिद कर रही है। कबूतर भैया, मेरे भी रुपए ले जाओ और मेरे लिए इसे मटर के बीज ले आना। अरे वाह चिड़िया, तो इस पर मटर की खेती करोगी, मैं तो आपसे ही मटर खरीदूंगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से बाजार चला जाता है, और चिड़िया भी अपने खेत पर काम करने के लिए चली जाती है। अरे खेत में कितना घास उस होगा है, पहले मुझे ये साफ करना होगा, तभी जाकर मटर की फसल अच्छी होगी। फिर चिड़िया अपने खेत में बाकी की घास को हटाने लग जाती है। वह शाम तक लगातार मेहनत करती है और उसका खेत पूरी तरह से साफ हो जाता है। अभी ये खेत पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ बीज लगाने की कमी है, जो मैं कल सुबह आकर पूरा कर दूंगी। फिर चिड़िया कबूतर से बीज लेकर अपने घर चली जाती है। कानू जी, जल्दी से पता करके आओ चिड़िया किस चीज की खेती करने वाली है। मैं क्या उसके घर जाकर पता करूं, जब वह बीज डालेगी तो खुद ही देख लेना। कानू जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार चिड़िया के जैसी खेती करते हैं। आपको तो पता ही है हमारी फसल चिड़िया जितनी अच्छी नहीं होती, और हम हमेशा घाटे में रहते हैं। परंतु गौरी जी, चिड़िया जैसी खेती करने से हमें क्या फायदा होगा। चिड़िया जैसी खेती करने में तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम चिड़िया की फसल को रात को चुरा कर लाया करेंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी चिड़िया जैसी फसल जो होगी। अरे वाह गौरी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, फिर हमारे खूब मजे ही मजे आएंगे। तभी तो कहती हूँ जल्दी से पता करके आओ चिड़िया इस बार खेत में क्या बो रही है। अपनी पत्नी की बातें मानकर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर चला जाता है, और उससे खेती के बारे में बात करने लगता है। तो बताओ चिड़िया, आप इस बार क्या बोने वाली हो। कालू भैया, मैं तो इस बार मटर की खेती करने वाली हूँ, वैसे आप क्या बोने वाले हो। अरे इस बार तो मैंने भी मटर की खेती करने का फैसला किया है, मैं तो बस आपको यही बताने आया हूँ, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू अपने घर चला जाता है और गौरी को बताता है कि चिड़िया इस बार मटर की खेती करने वाली है। जल्दी से बाजार जाओ और मटर के बीज लेकर आओ। गौरी, कल ले आऊंगा बीज, अभी अभी तो चिड़िया घर से आया हूँ, जरा आराम तो करने दो। आराम बाद में कर लेना, पहले फौरन लेकर आओ, ताकि चिड़िया को हमारी चाल के बारे में जरा भी पनक ना हो जाए। फिर कालू को वह अपनी पत्नी के कहे अनुसार बीज लेने चला जाता है, और अगले सुबह वो अपने खेत में बीज डालने चले जाते हैं। वे बीज डालने ही वाले थे, तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू गौरी, आप क्या कर रहे हो। दिख नहीं रहा तुम्हें, अपने खेत में मटर के बीज बो रहे हैं,
भला और क्या करेंगे। कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर लेना, वरना इस घास फूस की वजह से मटर के पौधे पड़ने से पहले ही मर जाएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया अपने खेत में बीज डालने चली जाती है। कालू गोरी तो सोच में पड़ जाते हैं। गोरी, मुझसे तो ये खेत कभी साफ नहीं होगा। जो भी करना है वो आपको ही करना होगा। मैं भला इतने घास फूस को कैसे साफ कर सकती हूँ। चलो चलो, ये तो हम दोनों को ही करना हो। फिर वो दोनों अपने खेत में घास हटाने लग जाते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में बीज बोकर चली जाती है। कालू जी, मुझसे नहीं होगा, मैं तो बुरी तरह से थक गई हूँ। गोरे, मैं भी गर्मी से बेहाल हूँ। चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसके बाद में देखेंगे क्या करना है। ऐसे ही खेत में बीज डाल देते हैं, जो भी उगेगा उग जाएगा। वैसे भी हमें तो चिड़िया के खेत से चुरानी है, फिर मेहनत क्यों करें। मैं तो ये बात भूल गया था। चलो जल्दी से बो देते हैं। फिर वे दोनों भी अपने खेत में बीज डालकर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मटर के पौधे बड़े होने लगे थे। चिड़िया तो अपने खेत की खूब देखभाल करती है। कालू भैया, अपने खेत से फालतू की घास हटा दिया करो, ये घास पौधों को बढ़ने से रोकती है। हाँ, हमें सब पता है, हम बस हटाने ही आए थे कि आपने पहले ही टोक दिया। कालू की ये बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू और गोरी हमेशा की तरह एक दो घास हटा कर ही थक जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ये इतनी मेहनत कैसे कर लेती है, मुझसे तो एक भी घंटा काम नहीं होता। गोरी, चिड़िया को खेत से बहुत लगाव है, अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है। खेत को कब पानी चाहिए, कब उसे खाद, अच्छे से पता है चिड़िया को। पानी से याद आया, बहुत प्यास लगी है, मुझे जल्दी से मेरे लिए बड़ी नदी का ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। गोरी, मैं ठंडा पानी नहीं ला सकता। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, बड़ी नदी में बर्फ गिरती है और उसका पानी हमेशा ही ठंडा रहता है, तो आप ठंडा पानी क्यों नहीं ला सकते। मेरी पूरी बात तो सुना करो, मैं जब तक नदी से ठंडा पानी लाऊंगा, रास्ते में वो गर्म हो जाएगा, तो भला मैं ठंडा पानी कैसे ला सकता हूँ। जब आओगे ही मटक मटक कर, तो पानी तो गर्म हो ही जाएगा। अब चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर वे दोनों पानी पीने चले जाते हैं और बड़ी नदी से पानी पीकर वही छाया में सो जाते हैं कि तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया बाल्टी लेकर आ जाती है। चिड़िया, आप ये बाल्टी पानी से भरकर कहाँ ले जा रही हो। ये पानी तो मैं अपने खेत में डालने के लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पौधों को पानी की जरूरत है। मैं आज से ही पानी लगाना शुरू करूँगी, तभी जाकर पूरे खेत में पानी दे पाऊंगी। चिड़िया बाल्टी लेकर वहाँ से चली जाती है, परंतु कालू और गोरी तो उसकी एक भी बात नहीं सुनते, बस उसकी फसल पकने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, आखिर वो दिन आ ही गया। चिड़िया की मटर की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमारे खेत में तो इक्का दुक्के मटर के दाने हुए हैं। हाँ गोरी, भला हमें क्या लेना अपने खेत के मटर से, हमें तो चिड़िया के ही मटर चुराने हैं। इस तरह से वो अपनी साजिश को अंजाम देते हैं। चिड़िया जैसे ही मटर तोड़कर बाजार जाती है, वो दोनों चिड़िया के खेत पर जाकर जल्दी से मटर तोड़ लेते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं। कालू जी, चिड़िया के खेत से पूरे 5,000 की कमाई हुई है। अब चिड़िया के खेत से मटर चुराने का सिलसिला चलता ही रहता है। वो दोनों चिड़िया के खेत से मटर चुराकर बहुत खुश हो रहे थे। टोनी, कालू और गोरी की फसल तो बहुत बुरी हुई है, फिर भी वो टोकरी भर भर कर मटर बेचने आते हैं। कहीं वे आपके खेत से मटर तो नहीं चुरा रहे। हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपने खेत में मटर कम दिखाई देती है। मुझे तो पूरा विश्वास है, वो दोनों आपके ही मटर बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने का कोई शौक नहीं है। वे तो हमेशा से ही हराम की खाते हैं। बिना देखे हमें उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कहीं हम गलत न साबित हो जाएं। अगर ऐसा है तो हमें उन दोनों पर नजर रखनी होगी। ऐसा कहकर वे दोनों चिड़िया के खेत में छिपकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि कालू गोरी टोकरी भरकर चिड़िया के खेत से मटर तोड़ रहे थे और रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आप तो बहुत बुरे हो, जब मैं आपसे मेहनत करने की कहती थी तो यूं ही टाल देते थे, और अब मेरी मटर चुरा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई। हमें माफ कर दो चिड़िया, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, खूब मेहनत कर अपनी फसल उगाएंगे। गोरी, इन्हें माफ कर दो, आगे से ये कभी चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं आपके खेत की रखवाली जो करने वाला हूँ, और मैं पहले ही कहता हूँ, जो मुझे चिड़िया के खेत से चोरी करता दिखा तो मैं उसके हाथ तोड़कर इसी खेत में गाड़ दूंगा। सही सलामत रहना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और नए नए स्टोरी के सुझाव देते रहना। एक जंगल में सारे पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। उस जंगल में चीलों का भी नामो निशान नहीं था। सब पक्षी सुकून से अपनी जिंदगी
गुजार रहे होते हैं। शुक्र है कि हमारे जंगल में चीले नहीं है, नहीं तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा देती। अरे कालू कौवे, वो देखो तुम्हारे पीछे एक चील आ रही है। तुम्हारी काली जुबान जो बोलते हो सच हो जाता है।